व्हाट्सअप गाइज, आप देख रहे हैं ऑन फायर गेमिंग यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सल प्लस यूआई के लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बेस्ड अपडेट 4.3 की। इस अपडेट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्चर की, तो आपको मिलता है पिक्सल लॉन्चर। यूएस पैनल में आपको वाईफाई और मोबाइल डाटा ऑन करने के लिए अलग अलग टॉगल्स नहीं मिलते, कंबाइंड वाला ही आपको मिलेगा। जो प्री इंस्टॉल्ड कैमरा आपको इस रोम के साथ मिलता है वो है ये ब्लू वाला कैमरा। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, बट इसे कौन ही यूज करता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जीकेम इंस्टॉल कर लेना। सेटिंग्स के अबाउट फोन में जाकर एंड्रॉइड पर टैप करने पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पिक्सल प्लस यूआई का लोगो, इसके बाद एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड आपको ये रोम मिल जाती है। पिक्सल प्लस यूआई वर्जन आपको मिलता है 4.3, फिर डिवाइस मेंटेनर नेम आप देख सकते हो। सिक्योरिटी पैच फॉर सम रीजन आपको मिलता है फरवरी वाला, मार्च वाला नहीं मिलता। और जो कर्नल यहाँ पे यूज किया गया है वो है EOL वाला Azure। सिस्टम में जाने पर आपको मिल जाता है अपडेटर, OTA अपडेट्स को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जेस्चर में जाने पर आपको मिल जाता है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट और 100 मोड। जेस्चर नेविगेशन में आपको 2 बटन 3 बटन जेस्चर नेविगेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जेस्चर नेविगेशन बार के लेंथ से रिलेटेड ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। फुल स्क्रीन जेस्चर को ऑन कर आप इसे हाइड भी कर सकते हो। सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों मिल जाते हैं, दोनों फुली वर्किंग है। साथ ही आपको एप लॉकर का सपोर्ट भी मिलेगा। वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाकर आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे अलग अलग वॉलपेपर सेट कर सकते हो। फिर वॉलपेपर कलर या बेसिक एक्सटेंड कलर वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद डार्क थीम, थीम डाइकॉन और ग्रिड साइज के ऑप्शन भी मिलेंगे। डिस्प्ले में आपको यूजुअली मिलने वाले सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, सब कुछ फुली वर्किंग है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर वॉल्यूम वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा और बॉटम में MI साउंड इनहेंसर भी मिलता है। अब बात करें रोम के बैटरी बैकअप की, तो अभी तो इस रोम को मैंने 1-2 दिन यूज़ नहीं किया, अपडेट कल ही आया था, बट जितना भी यूज़ किया उसमें मैंने कोई एक्सेसिव बैटरी ड्रेन नोटिस नहीं किया। 6 to 7 आवर तक का स्क्रीन ऑन टाइम आपको स्टॉक कर्नल के साथ मिल जाएगा। और जो बैटरी यूसेज वाला ग्राफ है वो आपको नया वाला देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब के शेड्यूल्स वाले सेक्शन में आपको गेमिंग वाला ऑप्शन भी मिलेगा, यहां से आप गेमिंग डैशबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट में भी आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट कैरियर वीडियो कॉलिंग आपका वर्किंग नहीं है। PPUI के इस अपडेट में फाइनली आपको पिक्सलाइजर एडिट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलता है मोनेट कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको कस्टम एक्सेंट कलर और व्हाइट लुमिनेंस और क्रोमा फैक्टर वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेटस बार वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रैफिक इंडिकेटर, स्टेटस बार या एक्सपेंडेड हेडर आप कहीं भी इसे इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं बैटरी स्टाइल और बैटरी परसेंटेज, बैटरी स्टाइल आपको दो ही देखने को मिलेंगे। माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर और लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर को ऑफ या ऑन करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स में अभी आपको ये दो ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद बटन्स में आपको मिल जाता है वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट वाला ऑप्शन, आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में आपको लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो और फोर्स स्मॉल क्लॉक वाले ऑप्शन मिलेंगे। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद मिसलिनियस में आपको लॉन्च म्यूजिक ऐप ऑन हेडसेट कनेक्शन और इन्वर्ट लेआउट वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। डिवाइस के सर्टिफिकेशन की बात करें तो विदाउट रूट आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद गूगल फोटोज में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज भी मिल जाएगा। अब बात करें रोम के स्मूथनेस की, तो सुपर स्मूथ रोम आपको मिल जाती है। यूआई में आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, स्मूथ एनिमेशंस आपको मिलते हैं और रैम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी कोई इश्यू नहीं आएगा।
रिसेंट पैनल में आपको सिलेक्ट और स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं Geekbench स्कोर्स की। कुछ इस तरीके का स्कोर्स आपको देखने को मिलते हैं स्टॉक कर्नल के साथ। सिंगल कोर मिलता है 486 और मल्टी कोर मिलता है 1460। इसके बाद सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को 5 मिनट तक स्टॉक कर्नल पर रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रॉटलिंग ग्राफ और जीआईपीएस स्कोर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें रोम के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। 60 fps में आप गेमिंग कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे PPUI के पिछले अपडेट 4.2 से, तो इस अपडेट में आपको विदाउट एनी डाउट गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। स्मूथ प्लस 90 आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। इसे अनलॉक करने के लिए आपको किसी मॉड्यूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं फ्लैशिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको फोन बूट कर लेना है रिकवरी में, और अगर आप कोई एंड्रॉइड 12 वाली ही रोम यूज कर रहे हो डिक्रिप्टेड स्टोरेज के साथ, तो डाटा फॉर्मेट करना आपके लिए नेसेसरी नहीं है। 5 पार्टीशन वाइप कर आप रोम फ्लैश कर सकते हो। बट अगर आप कोई एंड्रॉइड 10 या 11 बेस्ड रोम यूज कर रहे हैं, फिर तो इस अपडेट के लिए आपको डाटा फॉर्मेट करना होगा। ये फ्लैशिंग स्टेप्स थे डिक्रिप्टेड यूजर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं इंक्रिप्शन की। तो अगर आपको इंक्रिप्शन चाहिए, तो सबसे पहले आपको आ जाना है रिकवरी में, फिर फॉर्मेट डाटा में जाकर यस टाइप कर आपको डाटा फॉर्मेट कर लेना है। डाटा फॉर्मेट होने के बाद आपको रिबूट टू रिकवरी कर लेना है। और अगर आपको इंक्रिप्शन चाहिए, तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट रिकवरी ही यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई और रिकवरी यूज करेंगे, तो एक्सटर्नल स्टोरेज से रोम फ्लैश करने के बाद रिकवरी स्टक का इशू आपको आ सकता है। फोन फिर से रिकवरी में बूट होने के बाद आपको आ जाना है वाइप में, और वाइप कर देना है 5 पार्टीशन। इसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज से आपको सबसे पहले फ्लैश कर लेना है फर्मवेयर, उसके बाद रोम। पिक्सल प्लस यूआई 4.3 नाम से ये जिप आपको मिल जाएगा। रोम फ्लैश होने के बाद आपको वाइप कैच कर देना है, और वाइप कैच करने के बाद आपको फिर से आ जाना है वाइप में, और फॉर्मेट डाटा में जाकर यस टाइप करके आपको फिर से डाटा फॉर्मेट कर देना है। डाटा फॉर्मेट होने के बाद आपके सामने रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको फोन रिबूट कर लेना है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो।